हाँ जी मेरे कितना तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की सीरीज़ का तीसरा पार्ट हमारा आ गया स्किन रेटिंग सीरीज़ का। जिनको ना पता हो, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है स्किन रिटचिंग सीरीज़, जिसमें कि हम बहुत अमेजिंग तरीके से स्किन रिटच करते हैं और रोज़ नई नई ट्रिकें हम डिस्कस करते हैं। तो आज उसका तीसरा पार्ट है। जो दूसरा पार्ट था स्किन स्मूथनिंग, उसके मैंने दो पार्ट बनाए थे और ये तीसरा एपिसोड है, ठीक है ना। तो उसकी तीसरे में हम क्या सीखने वाले हैं, माइक्रोडोजन बर्निंग। जैसे आपने पढ़ के आए हो यहाँ पे माइक्रोडोजन बर्निंग, तो जी हाँ, ये सिर्फ लैपटॉप या पीसी के लिए नहीं है, मतलब फोटोशॉप वाले ही यूज़ करते थे। बट आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जैसे माइक्रोडोजन बर्निंग आप अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक पेश है फोटो मेरी, जिसमें मैंने स्किन को स्मूथ पहले ही कर लिया है, दाने वगैरह पहले ही हटा लिए हुए हैं वो बड़ी सफाई से। तो मैंने उसके बारे में दो वीडियो बनाया स्किन स्मूथनिंग के ऊपर, आपको पॉपअप करके आ गया होगा। तो आप इसको प्लीज़ चेकआउट कर लेना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, रियली बहुत अमेजिंग ट्रिक्स पता लगने वाली हैं आपको। तो आप जो गलतियां करते हैं उनके बारे में मैंने बताया और बहुत डिटेल में। तो आपको पिक्सार्ट में क्या करना, आपको ऐड फोटो करना और वही फोटो दोबारा से लेकर आनी है, ठीक है। इससे क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी कम नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि हमको एडजस्ट में जाना है और उसको हम देंगे हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे और हाइलाइट्स को हल्का सा बढ़ाएंगे। ये हम कर रहे हैं यूज़ हमारे डॉज के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल डॉज एंड बर्निंग बताऊंगा जो हम स्पेशली अपनी फ़ोटोज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको माइक्रो वाला बताऊंगा। माइक्रो वाला थोड़ा स्पेशल है तो आपके लिए नया भी है थोड़ा सा, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लेना। पहले मैं आपको सिंपल बताता हूँ क्या करना है आपको। मैं आपको ब्रश का साइज़ देख लो क्या रखा है मैंने। हार्डनेस कम बिल्कुल जीरो पर जाके, वन पर आएगा, जीरो जाएगा नहीं। और ओपेसिटी आपको 7 तक रखना है, 7.53 तक। उसके बाद आपको हाँ ओपेसिटी 50-60 तक नहीं रखना है, बिल्कुल भी नहीं रखना है। यहाँ तक 7 इसका मैं कहता हूँ, 7 और 8 इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ सिंपल कैसे करते हैं, जो सिंपल हम करते हैं ना, बिल्कुल सिंपल बताना आपको मैं। तो क्या करना होता है, पहले मैं बताता हूँ आपको डॉज देना कहाँ कहाँ पर है। तो आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ डॉज कहाँ देते हैं। यहाँ पे नाक पे देते हैं, हम यहाँ पे एक गले पे देते हैं और एक चीक्स पे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको देना है यहाँ पे एक माथे पर। और आपको मैं यहाँ पे यही बताऊँगा कि आपको चीक जो चीक बन बोन्स होती हैं, जो यहाँ पे आपके गाल के पास एक बोन होती है, उसको कैसे एक इल्यूजन क्रिएट करना है कि आपके बोन्स हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा, जो कि अट्रैक्टिव बोन लगता है देखने में। आपने बहुत बहुत बड़े बड़े मॉडलों के देखे होंगे जो चीक बोन दिखती होती है हल्की सी। तो आपको बहुत अच्छा से दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना। तो आपको पता लगेगा कि मैं डॉज कहाँ कहाँ देने वाला हूँ। तो आपको पहले सिंपल दिखाता हूँ। तो उससे पहले आपको बता दूँ कि मैंने एक बहुत तो पहले नहीं, 3-4 महीने पहले बताया था मैंने एनएसपी पिक्चर्स जो हैं आप उनको जानते होंगे कि वो डॉज कैसे देते हैं, आपको पता ही होगा। तो उस वीडियो को आपको एक पॉप करके आ गया होगा, इस ऐसी वीडियो थी, आप मेरे जब चैनल पे जाओगे आपको मिल जाएगा। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया था मैंने। तो सेम है वहीं, यहाँ पर भी मैं वही चीज़ करूँगा और उसे थोड़ा सा अलग भी करूँगा, क्योंकि उनकी जो जब आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको उसमें पता लग जाएगा वो स्पेशल क्या करते हैं और इसमें मैं जो नॉर्मल चीज़ें नॉर्मल डोजन बर्निंग चीज़ होती है उसमें कैसा होता है। हल्का देखो यहाँ पे मैं चीक है, यहाँ पर चीक्स बोन है, चीक्स बोन की जैसे अगर सोचो बोन्स बाहर की तरफ है तो आप क्या होगा, जो लाइट पड़ेगी तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ग्लो होगा ना, थोड़ा सा समझ रहे हो ना, जैसे 3D होता है ना, 3D मॉडल, तो जो चीज़ बाहर की तरफ वहाँ पर लाइट ज़्यादा आएगी तो आप क्या हल्का शाइन आएगा, सिंपल सी बात है ना। तो सिंपली यहाँ पर भी आपके क्या है, जो हमारे बोन है यहाँ पर हल्का सा बाहर की तरफ दिखाना, आपको इल्यूजन क्रिएट करना है, हल्का सा उसको शाइन दे रहे हैं, सिंपल सी बात, बहुत आसान चीज़ है। तो क्या मैंने शाइन दे दिया है। तो अब क्या है कि हम उसको हमको और कहाँ कहाँ पर देना देख सकते हो आप, जैसे कि और आप देखो, अब सिंपल देखो अपने ऐसे नज़रिए से देखो कि कितना मतलब अमेजिंग लग रहा है। अगर दूर से देखोगे तो लग रहा है कि कहाँ पर शाइन इतना अच्छा सा और एक स्ट्रक्चर आ रहा है, मतलब आपके फेस में ना एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो आ रहा है। तो अभी क्या मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब एक और तरीका आपको बताता हूँ, एक तो एक तरीका होगा, अब मैं दोबारा से फिर से उस साइज़ दोबारा वही लेकर आऊँगा और आपको यहाँ पर कैसे देना है आपको दिखाता हूँ। आपको उसे आपके ऊपर है, आपके आपकी मतलब आपके माइंड सेट के ऊपर है आपको कैसे डॉज देना है, किस तरीके से देना है, बहुत तरीके के डॉज होते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आँखों के नीचे भी हल्का हल्का दे रहा हूँ, मतलब ठीक समझ रहे हो। देखो इसे लुक देखो कितनी मतलब गजब की आएगी, इससे लगेगा कि मेरे जो मतलब फेस शेप के ना, आप फेस को शेप अलग अलग तरीके से देख सकते हो। आपको देखना है कि आपके ऊपर कौन सा सूट करता है, ठीक है ना, तो कौन सा ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है आपके फेस के ऊपर, आपके ऊपर है। तो देखो अब ये भी मेरे को अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं है वो, ठीक है। तो अब इसमें हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं कि आप अपने दूसरे साइड में करता हूँ और इसके बाद बताता हूँ आपको मैं कि मैं इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ जो और देखने में अच्छा लगे। तो अब मैं अपने ऊपर भी करता हूँ, तो अपने माथे पे हल्का सा मैं कर लूँगा और वो गर्दन है, गर्दन पे भी हल्का सा कर लेता हूँ। तो अभी तो पहले नाक पे आते हैं, तो नाक के लिए क्या करूँगा, मैं साइज़ को छोटा करूँगा
ऑब्वियसली बात है छोटा करना पड़ेगा, नाक अपना बहुत छोटा पोर्शन है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के बाद क्या आएगी, हमारी वीडियो आएंगी नोज़ रिटचिंग, आईज रिटचिंग और लिप्स रिटचिंग के ऊपर आने वाली है। तो उस तीनों को मैं एक वीडियो में डाल दूंगा, तो उसके लिए वेट कर लो, कल या परसों तक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएगी आराम से। तो वीडियो में थोड़ा टाइम लेता हूँ, पर क्वालिटी देना तो फ़र्ज़ है ना भाई, तो क्वालिटी नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। तो उसके बाद क्या है कि आप देने के बाद क्या कर सकते हो, आप जैसे कि NSB पिक्चर वाले, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैं हल्का सा डोज देता था, जैसे उनका जो NSB पिक्चर क्या करते हैं, एक हार्ड सा डोज देते हैं, हार्ड डोज। आप वीडियो देखोगे आपको समझ लग जाएगा। तो आप ही इन दी एंड क्या कर सकते हैं, एक हार्ड से यहाँ पे मैं एक डोज दे रहा हूँ ना, हार्ड, एक हल्का सा, बहुत पतला पतला डोज देना आपके यहाँ पे। तो उसको जब दे दोगे ना, तो बहुत अमेजिंग लुक बनेगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ, देखो क्या है, तो एक एक ना अलग सा स्ट्रक्चर बन रहा है आपके फेस का, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे डॉस का काम यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो मैं पूरी बॉडी पे नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं पूरी बस अपने फेस पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो स्किन जो सीरीज चली है फेस पे चली है, तो मैं बॉडी पे कोई देने का फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मैं ऐसे डन कर रहा हूँ, आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, कितना ज़्यादा ही फ़र्क पड़ा हुआ है इससे, बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्राई किया करो ऐसी चीज़ें, आप जब भी कोई कुमसा बना रहे हो ना, डॉजन बर्निंग दिया करो। तो हम करते हैं दोबारा से इसकी बर्निंग, डॉस तो दे दिया, बर्निंग के लिए क्या है, इसको मैं लेकर आऊँगा और दोबारा इसको बड़ा कर लूँगा, और इसकी हल्की से देखूँगा इसके कम क्या करना, वो देखना ध्यान से, इसको सेट करना अच्छी तरीके से। और इसके ऊपर मैं माइक्रो डोजन बर्न नहीं दे रहा हूँ, आपको बताऊँगा माइक्रो डोजन बर्न होता क्या है पहले, फिर मैं आपको दूंगा यहाँ पर डोजन बर्न, आपको पता लग जाएगा मैंने यहाँ पर क्यों नहीं दिया इसको माइक्रो डोजन बर्न। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आपको शेडो को कम करना है और ब्राइटनेस को हल्का सा कम करना है, ठीक है ना, शेडो ज़्यादा ब्राइटनेस कम थोड़ा सा, समझ गए। यहाँ पर अब देखो चीक बोन का अब एक कमाल कर जादू सा होने वाला, ध्यान से देखना प्लीज़। तो आपको क्या होगा, आपको क्वालिटी बढ़ा लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना प्लीज़। आपकी जो भी वीडियो चल रही होगी 1080p करोगे या 480p कर लेना, बहुत अमेजिंग दिखने वाली है आपको। फिर अभी देखो जो मैंने साइज सेम वही रख लिया है, ठीक है। अब अपने जहाँ पर मैंने ग्लो दिया था जिस समय, जहाँ पे ठीक उसके ही नीचे मैं डार्कन करना शुरू कर दूंगा, डार्कन, ठीक है ना। तो इसको हल्का हल्का जल्दी जल्दी अप्लाई करता हूँ, और मैंने बहुत कम रखा हुआ है इसका, ठीक है ना, जो ओपेसिटी है जो उसकी बहुत कम है, इसलिए वो टाइम लगेगा करने में, बड़ा रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत बेकार लगेगा उससे। इसे क्या है कि परफेक्शन आती है, अब देख सकते हो आपको, मतलब थोड़ा सा दूर करके देखो या नज़दीक करके देखो, आपको एक लग रहा होगा ना कि मतलब एक बोन सी क्रिएट हो रही है वहाँ पर, मतलब आपके फेस के अंदर कोई एक बोन है जो कि मतलब हल्की सी बाहर की तरफ है। तो एक ना मतलब जो बड़े मॉडल्स होते हैं, मतलब जो सुंदर होते हैं यार, हैंडसम होते हैं, उनका क्या होता है कि फेस शेप ही होता, फेस का शेप ही तो होता है उनके लिए, जो मतलब उनका चीक्स बोन निकले होते हैं, जॉलाइन अच्छी होती है, लिप्स नोज़ वगैरह अच्छे होते हैं। तो वही तो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है, आपका मतलब मेरे से चबी से हो, तो आप ये काम कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। वो भी तो ऐसे आप नोज़ के पास भी दे सकते हो। तो नोज़ के ऊपर मैं एक और अच्छी सी वीडियो, जब कल कल या परसों तक जो वीडियो आएगी आपको नोज़ के ऊपर भी, आपको बहुत अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी, और मेरी एनर्जी डाउन लग रही होगी। सो यार अभी मतलब ना एनर्जी ख़त्म हो जाती है कभी कभी, मैं बहुत चिल्ला रहा था, और आज क्या है कि मैं थोड़ा सा दब के बोल रहा हूँ, एनर्जी की बात होती है ब्रो, एनर्जी एनर्जी। अभी मैं 2-3 गाने सुनूंगा जाके MV के, फिर जाके जोश आएगी। तो अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बनाओ वीडियो, तो मैं बनाने आ गया यहाँ पर, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी समय। तो अभी क्या देखो, अब मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, ठीक है। एक अलग ही जादू है भाई डोजन बर्न में, आप समझ सकते हो, अलग ही जादू है। इसको मैं दोबारा से लूँगा और दोबारा से बड़ा करूँगा। इसके एडजस्ट, आपको पता है क्या करना है, एडजस्ट में जाना है, और इसके साथ मैं क्या करूँगा, हल्का सा जो शेडो है हल्का सा कम करूँगा, और इसको डन करने के बाद इन्वर्ट करूँगा, और यहाँ पे जो माथे पे है ना, हल्का सा मैंने माथे पे पहले दिया नहीं था, तो हल्का सा यहाँ पे भी दे लूँगा। तो अब हमेशा क्या है कि आपको ओपेसिटी और हार्डनेस को कम रखना है, यहाँ पे मैं हल्का सा दूंगा, बहुत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और कभी कभार होता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा होता है ना कि आपको पता लग जाएगा कि जो अब यहाँ से क्या लगेगा कि आपका जो हेड है ना, इस पॉइंट से पीछे की तरफ जा रहा है, ये नहीं कि आपका हेड हेड में आगे से एक्सपेंड ज़्यादा है। सो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मेरी बातें। तो यहाँ से मैं इसको जल्दी दे देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ, तो जल्दी मैं कर लेता हूँ। और उसके बाद एक और तरीका आपको बताता हूँ, एक जो अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो, और बहुत लंबी है तो देख लेना, वो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। तो अभी क्या क्या आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, अगर आपको मतलब डॉज देना है अच्छे तरीके से, मतलब आपको मेहनत भी नहीं करनी है, आपको मतलब आपको
एक एआई चाहिए, एक तरीके का एआई चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए कि मुझे डॉज कहाँ पर देना है मुझे ये बताओ जल्दी से, समझ रहे हो? आप अपने कमांड करो कि मुझे डॉज कहाँ देना है मेरे को जल्दी जल्दी बताओ। तो अब उसके लिए एक ट्रिक आपको बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब आपको मैं शायद बता भी चुका हूँ इंस्टाग्राम पर, जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पर उनके लिए मतलब चांदी चांदी है वहाँ पे, मैं रील वगैरह डालता रहता हूँ ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स वगैरह जो कि मैं एक वीडियो उसके ऊपर यूट्यूब की वीडियो नहीं बना सकता, तो छोटी छोटी मैं ट्रिक्स डालता रहता हूँ। तो वो करना क्या है, आपको व्हाइट शीट लेनी है और उसके ब्लेंडिंग मोड का वो ओवरली रख लेना है, मतलब रखना ओवरली रखना है, और इसके बाद मैं उसको बस फेस के पास जूम कर लेता हूँ ताकि मेरे पिक्सल क्वालिटी में कम मतलब ठीक हो जाए। अब देखो यहाँ पर आपको ना जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा होगा, बस आपने वहीं पर डॉज देना है, समझ गए हो? तो बस इसी को मतलब लेके आओ और इसको इन्वर्ट कर दो, और आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर देना है डॉज आपको। तो जैसे कि जहाँ जहाँ पर, यहाँ पर मेरे को ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, नोज़ के पास यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा ब्राइट करना है, समझ रहे हो? मतलब इसको हल्का सा ज़्यादा डॉज देना है यहाँ पर। तो इसको सिंपली मैं अंडो करो, जल्दी जल्दी अंडो कर लेता हूँ मैं इसको। उसका क्या करना है आपको, यहाँ पर इन्वर्ट कर देना सबको, अब ब्रश को चूज़ करके, और बड़े ही आसानी से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत डिटेल में नहीं काम करने वाला, ऊपर ऊपर से आपको बस मेरे को मेरा फ़र्ज़ था बताना आपको, तो अगर आप यूज़ करना चाहते हो इसका यूज़ कर सकते हो बड़े आसानी तरीके से। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद, मतलब पसंद नहीं और आपको समझ भी आ गई होगी, पसंद तो आई ही होगी तो आपको समझ भी आ गया होगा, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ ना समझ आया करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में पूछ लिया करो, मैं रिप्लाई दो, मतलब कमेंट तो बहुत कम आते हैं, आप मम्मी सपोर्ट नहीं करते हो, देखते तो पर सपोर्ट नहीं करते हो, कमेंट कर दिया करो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पीछे कमेंट में बता दिया करो, मैं उसका जरूर रिप्लाई देता हूँ, मैं देता ही हूँ रिप्लाई, अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन हो तो जरूर उसका रिप्लाई देता हूँ, अगर ना मुझे पता हो तो मैं टाइम लेता हूँ कि मुझे टाइम दो, मैं कुछ टाइम में आपको बता दूंगा पता करके, सिंपल सी बात है। तो ये हमने एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया था, अब क्या है कि आपको माइक्रो डोजन बनने के ऊपर चलते हैं। तो तैयार हो? तो लेट्स गो टू माइक्रो डोजन बर्निंग। सो फाइनली अब स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रो डोजन बर्निंग। तो माइक्रो डोजन बर्निंग बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। जी हाँ, तो माइक्रो डोजन बर्निंग होता क्या है, चलो एक फ़ोटो जो है मैंने फ़ोन से क्लिक की है, और मैंने बिल्कुल हाई क्वालिटी की फ़ोटो, मॉडल टाइप की फ़ोटो इसलिए नहीं ली किसी की, सिर्फ मॉडलों की फ़ोटो ले सकता था, बट क्या है ना उनकी जो फ़ोटो है मतलब अच्छी होती है, उनकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी होती है, पहली अच्छी होती है, तो उनमें मतलब कलर ग्रेशन करने जरूरत ही नहीं पड़ती है उसमें, ठीक है ना? तो अभी मुझे पता है कि आपके पास कैमरा नहीं है, आप देख रहे हो तो आपके पास कैमरा नहीं होगा, आप भी फ़ोन से क्लिक करते होंगे, तो इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी क्या कि मैं इसको लेकर आता हूँ, पहले ऐड करता हूँ दोबारा से और इसको बड़ा करता हूँ। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आपको अगर मेरी एक मेरी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि पिक्सार्ट में क्वालिटी कैसे मतलब कम होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, तो उसी के मतलब तहत हम ऐसा करते हैं। तो अभी क्या करना है कि हमको हल्का सा ब्राइटनेस को बढ़ाना है, और हल्का सा अपना जो हाईलाइट को है, हाईलाइट को अपना थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है। हाँ, तो ब्राइटनेस थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, तो इरा डन, और यहाँ से डन करते हैं। अभी क्या है कि जब इसको ऊपर नीचे करोगे आपको डिफरेंस पता लगेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस हो रहा है जब हम कर रहे हैं इसको हाईलाइट को और ब्राइटनेस को जब बढ़ा रहे हैं। तो हम जाएंगे इरेजर में, और हमको उस ब्रश का साइज़ क्या रखना है, बिल्कुल सेम वही ब्रश का साइज़ रखना है, बट इस समय हमको क्या करना है कि जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को 3 रखना है, ठीक है? ओपेसिटी को 3 रखना है, और जहाँ पर भी डार्क है स्पॉट है वहाँ पर इसको अप्लाई करना है। तो आपको पहले शुरुआत में तो लगेगा कि हो ही नहीं रहा है भाई, यहाँ तो मैं पागलों से लगा हुआ हूँ, हो ही नहीं रहा है, बट वो उस समय हो रहा होगा, ठीक है? मतलब आपको ना, मतलब इतनी हमने ओपेसिटी कम रखी है, 3% बहुत कम होता है, 2 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, जितना कम रखोगे उतना अच्छा है। तो सीन ऐसा होगा कि जो डार्क होगा वो मतलब एक इवन टोन वहाँ पे आने लगेंगे, माइक्रोडोजन बनेंगे से ही कहते हैं कि जो मतलब आपको एक फेस को एक न्यूट्रल दो, जो हमारे हमारे केस में नहीं था। तो आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर कैसा है, तो आपको पता लग गया होगा कि क्या होता है, ऐसे आपको एक आइडिया लग गया है। तो अब मैं दोबारा से अपनी जो अपनी पूरी फोटो है पूरी फोटो में अप्लाई करता हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर दूंगा क्योंकि वैसे भी आपका टाइम वेस्ट होगा, और हाँ आपको एक दिन में कभी नहीं आएगा, टाइम दोगे अलग अलग फ़ोटो पे इसको ट्राई करोगे तो आपको आराम से बहुत आसानी तरीके से आपको आ जाएगा। तो अभी देखो मेरे आंखों के नीचे हल्का सा डार्क स्पॉट है, तो उनको मैं डॉज से ही सही करूँगा, इसको ही माइक्रो डॉज कहते हैं, और बर्निंग भी इसको ही कह देंगे अगर जो अगर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा होगा कोई चीज़, ठीक है ना? तो अभी मैं इसको जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ आँखों के पास, डॉज दे कि मैं सही करता हूँ। वैसे ही आप बहुत सारी अच्छी फ़ोटो को आपकी आपकी जो होती होंगी पोर्ट्रेट वाली फ़ोटोज़, उनमें ऐसे ही इसको यूज़ कर सकते हो।
तो हल्का सा माथे के ऊपर करता हूँ और हल्का सा इस चीक्स पे भी करता हूँ। तो अब फाइनली हमारा एक रिजल्ट बन गया है, देखो अब कैसा बना हुआ है। तो मैं एक इवेंट होना है, अब दिखाऊंगा पिछला तो आपको बहुत गंदा लगेगा, जो पीछे वाला था वो बहुत गंदा लगने वाला है जब मैं उसका उसको अंडो करके या ओपेसिटी कम करके दिखाता हूँ, और अब दिखाता हूँ तो कितना फ़र्क पड़ गया है। तो ये माइक्रोडोजन बर्निंग इसे ही कहते हैं। तो अभी तो हमने माइक्रोडोजन बर्निंग कर लिया, अभी एक डॉज भी देना जरूरी है और एक बर्न भी देना जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इसको मैं एक बार, कहीं से मेरी गलतियाँ रह गई हैं तो उसको मैं सेट कर लेता हूँ ताकि हमें बाद में मतलब करना ना पड़े। अभी तो से यहाँ पे देखो मेरा है हल्का सा, यहाँ पे मैं जितना होता है उतना कर लेता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो इसको अगर मैं क्लोन टूल से करता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर फिर भी कर लेते हैं, यहाँ से जितना होता है उतना तो कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं डन करता हूँ इसको, तो इसको ऐसे अभी मैं फेस पे कर रहा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चाहता तो गले पर भी कर सकता था सही तरह, क्योंकि शेडोज़ वगैरह आ रही हैं, क्योंकि उसमें हमने रात को खींची थी फोटो और कमरे की लाइट जलती थी, कुछ नहीं थी तो इसीलिए। तो अभी आप डिफरेंस देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है, ठीक है ना। अभी अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इसको दोबारा से लूँगा, इसी फोटो को दोबारा, जो अभी हमने अभी एंड तक हमने बना ली है, तो एड फोटो में जाऊँगा और इसको मैं दोबारा से लेके आता हूँ। और आप बिफोर एंड आफ्टर देखना तो देख सकते हो बहुत डिफरेंस पड़ता है यार। डोजन बर्निंग को हल्के में प्लीज़ मत लिया करो, मतलब इन डोजन बर्निंग को ना, मतलब जब करोगे तो अगर आप किसी भी कॉन्सर्ट में यूज़ करोगे तो जब वो अलग से चीज़ दिखती है, समझ रहे हो, वो अलग से ही दिख रही होती है चीज़ें, तो अच्छी लगती हैं, मतलब जो आपको ना एक हाईलाइट होता है आपका स्किन। तो अभी क्या है कि इसको मैं फिर दोबारा से लेकर आया हूँ, और क्या है कि यहाँ पे मैं एफएक्स इफेक्ट में जाऊँगा और इसकी पेस्ट जो ब्राइटनेस है उसको हल्का सा फिर से बढ़ाऊँगा, इंक्रीज़ करूँगा हल्का सा, और इसकी जो हाइलाइट है उसको फिर से हल्का सा बढ़ाऊँगा, ऐसे डन करूँगा। और इरेजर में जाऊँगा और इसको इन्वर्ट करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने अभी पहले बता चुका ना, मैं अपनी फ़ोटो के साथ जो मैंने किया हुआ था तो वही चीज़ यहाँ पे मैं दोबारा से अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो बट अभी क्या है कि मेरे को ना, मतलब बस यहाँ पे चीक्स पे दूंगा और हल्का सा माथे पे दूंगा, और ज़्यादा नहीं करने वाला यहाँ पर मैं इसको। सो इसे मैं जल्दी इसे निपटा लेता हूँ, जो क्योंकि इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है, तो इसमें इतना मतलब टाइम मतलब वेस्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ सिंपली, आपको मैं ऐसे माथे पे से कर लेता हूँ, और आपको मैं जहाँ पे, और हाँ यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे आँखों के पास जरूर किया करो, अगर फीमेल मॉडल है तो ज़रूर से किया करो, क्योंकि एक अच्छी सी टोन होता है। और हाँ, अगर आप अपने फ़ोटो में भी करते हो, अगर मतलब एक मेल की फ़ोटो है तो उसमें भी कहीं कहीं अच्छा लगता है यार वो, मतलब ना एक डॉज अच्छा सा जब होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो आँखों के पास हल्का सा जरूर किया करो डॉज, और उसे क्वालिटी भी आती है फ़ोटो में। तो बस एक छोटी छोटी चीज़ें थी, और इसको मैं यहाँ से डन करता हूँ जल्दी से, क्योंकि और आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो कितना गजब का मतलब इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ इसको जल्दी जल्दी से। सो भाई ये तो रहेगी मतलब डॉज की बात होगी, डॉज यहाँ पे हमारा हो गया है। अभी क्या है कि हम इसको बर्न भी दे सकते हैं, तो बर्न देना भी बहुत आसान है, आपने जैसे मैंने पहले किया था पहली वीडियो में, वैसे वीडियो बहुत लंबी बन रही है तो जैसे मैंने पहले किया था सेम वही चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना आपको डॉज देने मतलब बर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब उसमें ना नीड नहीं होती है फ़ोटो में। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मतलब ज़रूरत डॉज देने की ज़रूरत नहीं होती है, हल्का सा बर्न देने की ज़रूरत होती है, मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मतलब कभी उसकी ज़रूरत होती है, कभी उसकी नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं, मतलब ऐसा ही होता है कुछ। तो वो आपके फ़ोटो के सिचुएशन के हिसाब से है कि आप फ़ोटो उसमें कैसी है, वो आपका फेस को कैसा है, उस पर ज़रूरत है भी कि नहीं, अगर नहीं है तो क्यों फालतू में करना उसको, ओवर एडिट करना है। तो आप इस बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करो। तो जल्दी से मैंने बर्न दे दिया, और आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखा देता हूँ बर्निंग से कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है। सो बहुत ही बहुत 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 ही माइनर चेंज है, पता नहीं लगने वाला आपको, और शायद इसकी जो यहाँ पे बर्न की, वैसे भी मैं वही मैं केस बता रहा हूँ कि यहाँ पे बर्न की ज़रूरत थी ही नहीं। सो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यार थैंक यू दिल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आई थिंक देखते हैं कि आईज़, नोज़ और लिप्स की रिटचिंग के ऊपर लेके आते हैं, कि स्किन टेक्सचर पे लेके आते हैं। तो आज के लिए बाय बाय, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कर देना, और बस आज के लिए बाय बाय दोस्तों, ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और अपने फैमिली का ख्याल रखो, बाय बाय।